नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पुलिस की वर्दी पहनकर चाय वालों पर रौब झाड़ रहा फर्जी दरोगा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर खुर्जा में घूम रहा था सुहैब फेरी वाला। फेरी का काम करता है पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ने वाला सुहैब। वर्दी के दम पर लोगों पर रौब झाड़ता फिर रहा था फर्जी दरोगा। शक होने पर नकली दरोगा को असली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर का रहने वाला है सुहैब, आरोपी खुर्जा में हुआ गिरफ्तार। सुहैब कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो बुलंदशहर के, चंदियाना 12 बस्ती। अच्छा। और रहते खजूरी में, खुर्जा मेरी बहन भी है, ये दोनों ससुराल है। खुर्जा में घूम रहे थे तुम? यहाँ दोस्तों की वर्दी ये, मैं दोस्तों के साथ में आया था नया। तुम अपनी बहन क्या पहन के आ गए यहाँ पर? यहाँ और बहन में रुक, यहाँ यूँ गया कि वो बकरे लेने, तो बकरे इतवार में पैंट लगती है यहाँ, तो मेरे बहनों के लगे कि पैंट में से ले लेना भाई, वहाँ सस्ता मिल जाएगा, 10-11 हज़ार रुपये का बकरा। तो वर्दी पहन कर मैंने, हाँ मैं पहन आया सर ऐसी बस। कौन सी पुलिस की वर्दी थी ये? हैं किस, ये सिविल डिफेंस, और जो ऊपर वो जो लगते हैं वो दिल्ली पुलिस के लग रहे थे। पहले भी इस्तेमाल करिए, कहीं पहन के गए उसे? नहीं, वही पहन के जाते हैं। दोस्त भी तुम्हारे दरोगा है वो? ना, अब वो तो है सिविल डिफेंस में सर, मैंने तो वैसे हाँ उसमें पहनी है खाली बस। दोस्त का क्या नाम है तुम्हारे जी? दोस्त का क्या नाम है? उन्हों के परवेज है, तोसीफ है। कहाँ के रहने वाले? खजूरी रहते हैं, 210 स्टाफ से हैं वो। आज प्रातःकालीन चेकिंग के दौरान थाना खुर्जा नगर में जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी, तो मार्केट में एक व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी धारण किए हुए था, जो संदिग्ध सा लगा, तो पुलिस टीम ने जाकर उससे पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, तो ये मालूम चला कि वह एक सामान्य सा व्यक्ति है जो कि पुलिस विभाग में नहीं है, परंतु उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के यहाँ मार्केट में घूम रहा था और व्यापारियों पर धौंस जमा रहा था। पूछताछ पे उसने अपना नाम शोएब बताया, जो कि भजनपुरा का रहने वाला है, और उसने दिल्ली से ये वर्दी खरीदी थी और यहाँ आकर व्यापारियों पर अपना धौंस जमाना चाह रहा था। पूछताछ करते हुए उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए जीटीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।